तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिड़ीड़ितम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति भुरिदा जनाः। दक्षिणेश्वर मंदिर में अपने कमरे पर बैठे हुए श्री श्री रामकृष्ण सत्प्रसंग कर रहे हैं एवं हमारे समाधि नहीं होने का हेतु बता दे रहे हैं। जब तक कुछ भोग वासना बाकी रहता है, जब तक कर्म बाकी रहता है, तब तक समाधि नहीं होता। इसमें थोड़ा समझने के बाद जरूरी है, जो समाधि किसको कहलाता है, जब मन शांत हो जाता है। मन जब शांत हो जाएगा, उसमें और कोई तरंग नहीं उठेगा, तब वह मन ईश्वर से तल्लीन हो जाएंगे। इसलिए पतंजलि योग सूत्र में द्वितीय सूत्र में बता दिया, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, मन का तरंगहीन करने का नाम ही योग है। और अष्टांग योग मार्ग बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। समाधि मन निश्चल हो जाता है, और समाधि नहीं होने के कारण क्या है, मन का तरंग, चंचलता, अस्थिरता। मन को अस्थिर कौन करते हैं? मन के भीतर जो अन्यतम उपादान है, मन का तीन उपादान है, सत्वगुण रजगुण तमोगुण। तमोगुण का लक्षण क्या है? चांचल्य, अस्थिरता। और चांचल्य क्यों, किस कारण? पहले है वासना, भोगासक्ति, यह है जड़। तो वासना रहने से वासना पूर्ण करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करने से ही चित्त चंचल होगा। अगर हम कुछ सकाम कर्म करें, हमारा भोग पूर्ति के लिए कुछ कर्म करें, वो बाय डेफिनेशन वो मन को चंचल करेगा। अगर हम निष्काम कर्म करें, तो वो भी कर्म है, लेकिन निष्काम कर्म मन को शांत कर देते हैं, ये फर्क। इसीलिए कर्म जो कर प्रवर्तन किया है, जो योग का मतलब समत्वम योग उच्चते, इक्वानिमिटी ऑफ द माइंड इज कॉल्ड योगा। वो किसी प्रकार से करे, वो ध्यान से करे, ये भगवान की भक्ति करते हुए करे, कि शास्त्र चर्चा करते हुए करे, ये कर्म करते हुए करे, लेकिन कर्म करने से ही मन चंचल होगा, अवश्य होगा, क्योंकि बताया एक्शन गोज विद रेस्टलेसनेस। लेकिन भगवद गीता में और एक लिंक दिया है, योगः कर्मसु कौशलम, एक प्रकार का कर्म का कौशल है, देर इज एन आर्ट ऑफ डूइंग वर्क बाई विच कर्म हमारा मन को चंचल करने के परिवर्तन में शांत कर देंगे। कर्म बंधन का कारण है, कर्म बराबर हमें उसका जो परिणति है फल से हमें बद्ध कर देते हैं, लेकिन एक प्रक्रिया है। अगर हम कर्म करते हुए जो आसक्ति छोड़ दे, कर्माशक्ति एवं फलाशक्ति दो ही छोड़ दे, तब वो कर्म हमें निष्काम कर्म बन जाएगा, एवं वो मन को चंचल करने के परिवर्तन में शांत कर देकर भगवान को ले जाएंगे। इसको सकाम कर्म से विपरीत निष्काम कर्म कहलाता है, इसको कर्मयोग कहते हैं। तो सकाम कर्म में कर्म भोग होता है,
निष्काम कर्म में कर्म योग होता है। तो यहाँ पर जो टर्म, टेक्निकल टर्म उल्लेखित हुआ है भगवद गीता में, इसका चर्चा हम किए थे कई बार, व्यवसायात्मिका बुद्धि। तो वहाँ पर जो हम लोग चर्चा किए थे कि भोगोश्वर जो प्रसक्ता नाम तथा पड़ित चेतसाम, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, समाधि नहीं होता है। कारण समाधि होने के लिए जो व्यवसायात्मिका बुद्धि अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि, एक मुख्य बुद्धि नहीं होता है। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होता है तो उसका बुद्धि क्या है, कहते हैं अव्यवसाय बुद्धि। जिस बुद्धि से मन चंचल हो जाता है वो है मन को समाधि से विपरीत अंग से ले जाता है। जिस बुद्धि से मन शांत होगा, एकाग्र होगा, वो व्यवसायात्मिका बुद्धि है। तो व्यवसायात्मिक बुद्धि क्या है, इस अध्याय में भी दो श्लोक पहले बताया, जो वर्स 41, ये तो 44 में है, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधि न विधीयते। इसे ठाकुर बोला है इसको समाधि नहीं होगा, कारण उनका मन चंचल नहीं है एवं कर्म बाकी है एवं भोग बाकी है। तो व्यवसाय आदमी का बुद्धि किसको कहलाता है, भगवान कहते हैं 241, व्यवसाय आदमी का बुद्धि एक ही है कुडनंदन, बहु शाखा अज्ञानंताश्च बुद्धे अव्यवसायी नाम, विभाजन कर दिया। व्यवसाय आदमी का बुद्धि, निश्चय आदमी का बुद्धि एक ही होता है। हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है, एक लुक ही, जो इसको व्यवसाय आदमी का बुद्धि कहलाता है। और जो अव्यवसायी है, जो अनेक चिंतन से विभ्रांत है, वो उनका चिंतन बहु शाखा विशिष्ट हो जाता है। जो अव्यवसायी है उनका क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, तो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फेंट, इसीलिए उसका निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होता। जब तक निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं हुआ, एकमुखी बुद्धि, हमें इसके बिना और कुछ नहीं चाहिए, तभी मन एकाग्र होगा, नचेत नहीं। तो अभी यहाँ पर जो कहा गया है कि बहु शाखा अनंताश्च बुद्धि, जो अव्यवसायी है, जिसका जो हम क्या चाहते हैं उसके ऊपर पूर्ण समर्थन नहीं है, तो तब उनका बुद्धि भी पक्का नहीं होगा, उलक्ष तक पहुँचने ताशा नहीं है। तो कैसे उनका जो समाधि के लिए क्या चाहिए, स्थिर मति, स्थिर अचंचल मति चाहिए, मुझे ही चाहिए बस। यू कैनॉट गो एंड आस्किंग वन थिंग एवरी डे, यू हैव टू फिक्स योर गोल, मुझे पहले यही चीज़ चाहिए, पहले हो जाओ और कुछ नहीं चाहिए। यह है व्यवसायात्मिक बुद्धि एकमुखी, ये एकमात्र इसको ही चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। तो अभी जो हमारा जो जो व्यवसायी है उसको कैसे होता है बताते हैं। बहु शाखा ही अनंतश्च, इसका बुद्धि विभ्रम हो जाता है अनेक प्रकार से, वो इट गेट्स स्प्रेड आउट इन मेनी ब्रांचेस। व्यवसायात्मिक बुद्धि ओनली वन पॉइंटेड बुद्धि है, और इसमें जो अव्यवसाय बुद्धि अनेक है, उसमें भी डाल पाले लेके बताया। इसका ये बहु शाखा तो शाखा है, विभक्त है। कैसे, एक उदाहरण दिया है कि ये बुद्धि हुआ कि हमें धन का प्रयोजन है, तो बुद्धि लगाया धन का प्रयोजन है, धन का प्रयोजन को एक प्रधान बुद्धि हो गया। लेकिन इसको पाने के लिए अनेक उपाय है, वे भी शाखा प्रशाखा। धन हम अर्जन करके ला सकते हैं, धन हम कैन टेक लोन, उधार से करके धन लाते हैं, और किसके लिए धन हमें चाहिए वो सही मार्ग से हम कमाई करें या धोखाधड़ी करें, ये कोई जाल जुआ चली करें, नाना प्रकार का
भिक्षा ले, तो नाना प्रकार का धन आहरण का जो उपाय है वो धीरे धीरे मन में आकर उपस्थित होता है। इसीलिए इनका मन इतना बिखरा हुआ है, बहुशाखा अनंताश्चो, अनंत उपाय है, ये सब एक करके प्रस्तुत करते हैं, फिर उसको प्रयास करके उसको फिर करके देखते अगर काम करते हैं कि नहीं। लेकिन लक्ष्य है एक, कर्तव्य बहुशाखा है। अगर उसी जगह से अगर भगवान को पाने का ये है तो एकमात्र भगवान का ही पाना है, क्यों ना भी उपाय ना, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो अव्यवसाय के बुद्धि है ये बहुशाखा में विभक्त हो जाता है। जब मन की अवस्था होता है तब मन दुर्बल हो जाता है एवं उनके पास ये बोध नष्ट हो जाता है क्योंकि जीवन में क्या चाहिए होगी। गोल ओरिएंटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जब हम तब हम क्या करते हैं, हमारा मेजॉरिटी जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ द माइंड आई वांट दिस उसको ऑन सरफेस आ जाता है, बाकी सब नीचे जाता है। जब उसका पूरण हो जाएगा फिर जो जो अवचेतन मन में है वो सामने आ जाएगा। तो बाई फेजेस वी कैन रिमूव ऑल दी डिज़ायर्स। लेकिन उसमें अंतराय क्या है, अंतराय परवर्ती दो श्लोक में भगवान बताते हैं। यामी माम पुष्पिताम वाच प्रवदंती अविपश्चितः वेदवाद रतः पार्थो नान्यात् अस्तीति वादिनम् कामात्मानम् स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्य जगतिम प्रति। और आखिर में भोगेश्य जो प्रसक्ता नाम दया पड़ित चेतसा व्यवसाय आदमी का बुद्धि समाधो न विधीयते। इज द टोटल टेक्स्ट। तो इन ऑर्डर टू डिल्यूट द साधकस व्हेन वी आर डिटरमिंड, नहीं हम जो कुछ हमें चाहिए जो परमात्मा के चरणों में निवेदन करें एंड वी कैन गेट इट। तो अभी ये तो नहीं होगा, पहले क्या करेगा, हमारा मन को विभ्रांत करने के लिए जो बहुशाखा तो अनंत हो सो तो जामी माम पुष्पिताम बाचो। पहले दे यूज़ वेरी फ्लावरी वर्ड्स, अर्थात मन को विभ्रांत करने के लिए, मन को भुलाने के लिए नाना प्रकार आकर्षणीय प्रस्ताव दिया जाता है, बातचीत किया जाता है। तो ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द माइंड आउट ऑफ द फोकस ऑफ गॉड। मन तो भगवान में लीन हो रहा था, योगा चित्तवृत्ति निरोध, वो जो भगवान के ओर जाने वाले मन को दूसरा चैनल में डालने के लिए नाना प्रकार आर्टिफिशियल फ्रेजेस और ये होगा हाईलाइट, ताकि मन हमारा लक्ष्य से विच्युत हो जाए एवं ऐसी करके उनका जो रचना करेगा ताकि मन विकार फिर इसको छोड़ के चला जाएगा। जामिमाम पुष्पिताम वाचम, जामिमाम जो वाचन खूब फ्लावरी वर्ड्स, जो अभिपश्चित जो अभिवेकी इज नॉट डॉलर्स, दे आर इंटेलिजेंट बट दे आर यूजिंग देयर इंटेलिजेंस इन रॉन्ग वे। तो यहाँ पर जो बताया कि जो वेद में जो भोग का जो बात हुआ है वो सब संकलन करके जो साधक को बताते हैं यही जीवन का पराकाष्ठा है। जीवन में आप जो ईश्वर ईश्वर कर रहे हो इसमें कोई तो गारंटी नहीं है, और ये जो हम एक्शन प्लान बता रहा हूँ ये सब चीज़ करना है तो करने से क्या होगा, तुम्हारा जो कुछ पार्थिव है जो कुछ भौतिक जो कुछ चाहते हो जाएगा। और ये जो जो ईश्वर के बारे में बोला जाता है ये सब इमेजिनरी है, काल्पनिक है, इसका कोई फाइनल डेट ये हम नहीं जानते कब क्या होगा, ये सब टेंटेटिव। ये जो हमारा भोग है सामने है, हम कभी भी कर सकते हैं। तो मन को ईश्वर से खींच कर हमारा भोग के प्रति प्ररोचित करते हैं, कैसे, तो इन लोग नाना प्रकार जो
पुष्पित वाणी प्रयोग करते हुए मन का जो जो अटेंशन वहाँ पर डाइवर्ट कर देते हैं। और ये जो सुख हमारे जगत का जो सुख सुख बोल के कुछ है नहीं, लेकिन ऐसी करके मन को सम्मोहिनी विद्या में फेंक देते हैं, हम उसी को सुख मान लेते हैं। एवं जगत में जो भी कुछ आप करें, भगवान सिवा कुछ नहीं है, सब कुछ टेम्पोररी है। एवरीथिंग इज टेम्पोररी, गॉड एलोन इज परमानेंट। सूनर वी एक्नॉलेज इट द बेटर फॉर अस। बट इंस्टेड क्या होता है, हम लोग नाना प्रकार का शोक वाक्य ये विभ्रांत मूलक जो अफवर्स ये सबसे मन को हम लोग दूर हटा लेते हैं। और मन को दूर हटा लेने से मन जब विषय मुख्य चले जाएगा तब क्या बिखर जाएगा, मन भी डाइवर्टेड इन मेनी वेज। और हमारा जो मन को एकत्र करने का एकाग्र करने का रहस्य क्या है, मन को सब समेट करके एक बिंदु में लाना पड़ेगा। प्रत्याहार, ब्रिंग इट बैक। बहुत मन फैला हुआ है इधर उधर उधर, सबको एक एक करके ला के एक जो हमारा जो एक इकट्ठा करके, तब वो अव्यवसाय के बुद्धि को व्यवसायत का कर्म करना। जब तक मन में एकमुखी निष्ठा नहीं होगा तब तक ईश्वर प्राप्ति दूर रहता है। और विषय का जो जो इक्वेशन है कि मन को विक्षिप्त कर देते हैं, एक लक्ष्य पाने के लिए हम नाना प्रकार का प्रयास करते हैं, सत असत जो भी हो, और उससे हम हमारा लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। अगर लक्ष्य से जुड़े रहना चाहिए तब हमें ये बात जरूर याद रखना चाहिए कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि चाहिए, निश्चय आत्मिका बुद्धि चाहिए, नहीं तो ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। नाना प्रकार का जो फ्लावरी वर्ड से हम विभ्रांत हो जाते हैं एवं उससे हमारे जीवन का लक्ष्य वहाँ से हम हट जाते हैं। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।